हेलो हेलो चाची जी, दादी माँ की तबीयत बहुत खराब है, आपको याद कर रही है, जल्दी सब लोग पहुँच जाओ। डिंपल ने फोन पर अपनी चाची सास से कहा, फिर ताई सास और बुआ सास को भी कहा, दादी माँ सीरियस है, आप सब जल्दी आ जाओ। डिंपल ने दादी माँ का बिस्तर धूप में लगा दिया। चाचा चाची पहुंचे, माँ के पैर छुए। माँ कैसे हो? चाचा की रुलाई सी फूट पड़ी। माँ ने हाथ सा हिलाया, नहीं मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। ताया ताई आ गए, बुआ फूफा जी भी पहुंच गए। सब माँ से बात करने की कोशिश कर रहे थे, पर माँ को काफी बेचैनी हो रही थी। डिंपल दादी माँ को थोड़ा पानी पिलाती है, ब्लड प्रेशर चेक करती है, फिर सबसे कहती है, थोड़ा कम तो हुआ है पर अभी भी ज्यादा ही है। फिर दादी माँ डिंपल से पूछती है, सब आ गए जिस जिस को मैंने बुलाया था? हाँ माँ सब आ गए, बस अब नेहू दीदी पहुंचने वाली है। आपके बेटे बेटी बहुए पोते पोतिया सब आपके आसपास ही बैठे हैं। डिंपल के कहते ही नेहू भी सामने आती दिखाई दी, दादी के बाद सबसे गले मिली। 4 साल बाद जो घर आई थी, डिंपल अंदर गई और एक बड़ा सा केक उठाई बाहर ले आई। उसके पीछे पीछे घर का सबसे पुराना नौकर रामू भी एक केक उठाई आ रहा था और एक दूसरा लड़का क्वार्टर प्लेट्स और चम्मच लेकर आ रहा था। सब हैरान हो रहे थे, ये सब क्या है? दादी माँ के बिस्तर के आगे डिंपल ने 2 टेबल्स के ऊपर दोनों केक रख दिए। एक पर लिखा था हैप्पी बर्थडे दादी माँ और दूसरे पर हैप्पी न्यू ईयर लिखा था। देखते ही दादी माँ एकदम उठी और डिंपल से चाकू पकड़कर सबसे बोली, चलो गाओ गाना, हैप्पी बर्थडे दादी माँ, हैप्पी न्यू ईयर, और क्या कहते थे तुम लोग, लॉन्ग लिव दादी माँ। दादी माँ को एकदम भला चंगा और चहकते हुए देखकर सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। उन्हें खुशी तो हो रही थी कि माँ एकदम ठीक है, पर साथ में सोच भी रहे थे कि हमें तो कहा गया था जल्दी पहुंचो, दादी माँ सीरियस है? आखिर चाची सास ने पूछा, माँ अभी तो आप इतनी बीमार थी, अभी आप केक काट रही है, ये सब क्या है? कुछ नहीं बहू, 3 साल हो गए थे तुम सबकी शक्ल देखे, याद कर करके रोती रहती थी, पर तुम सब तो ऐसे रूठे तुम्हारे ससुर से कि मेरे से भी नाता तोड़ लिया। 2 महीने पहले ही समित की शादी हुई पर कोई नहीं आया। बहू डिंपल को सारी बात पता चली कि तुम सब उसके ससुर से नाराज हो, तो उसने मुझको कल कहा। डिंपल बीच में ही बोली, आप थोड़ा पानी पियो दादी माँ, कहीं सच में खुशी के मारे आपकी तबीयत बिगड़ न जाए, साथ साथ केक भी काटो, देखकर मुंह में पानी आ रहा है। दादी माँ बोली, पहले मैं इनको और तेरे सास ससुर को सारी बात बता दूँ, तभी केक काटने का सही मजा आएगा। दादी माँ पानी पीकर फिर सबके तरफ मुंह करके बोली, कल डिंपल मेरे पास मेरे कमरे में आई और बोली, दादी माँ आपकी मदद चाहिए। मैंने पूछा, कैसी मदद? तो बोली, आपको बस 1-2 घंटे बीमार होने की एक्टिंग करनी है, फिर आप जिनको 3 साल से मिलने को तरस रही हो सबको मिल पाओगी। जैसे जैसे इसने कहा मैंने कर दिया। हर साल हम लोग नया साल और मेरा जन्मदिन इकट्ठे मिलकर मनाते थे, इसलिए यही दिन ठीक समझा डिंपल ने तुम सबको इकट्ठा करने के लिए। फिर नेहू भी आ जा रही थी। डिंपल हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, मम्मी पापा, ताईजी तायाजी, चाचा जी चाची जी, बुआ जी फूफा जी और सब मेरे बहन भाइयों, मुझे माफ कर देना अगर मैंने कोई गलती कर दी है तो। इतने में नेहू अपनी कुर्सी से उठी और डिंपल के पास आकर गले लगा कर बोली, भाभी थैंक यू सो मच, आपने अपना प्रॉमिस पूरा किया। फिर नेहू सबकी तरफ मुंह करके बोली, मैं शादी में नहीं आ सकी थी, डिंपल भाभी से फोन पर और वीडियो कॉलिंग ही होती थी, एक दिन फोन पर मेरा रोना निकल गया, भाभी मुझे तसल्ली देने लगी। मैंने कहा, मैं भरा पूरा परिवार छोड़कर विदेश आई थी पर मेरे पीछे से सब बिखर गया, पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई, मैं तो अपनों के बिना उस घर में कदम ही नहीं रख सकती। तब भाभी बोली, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आप जब आएंगे तो अपने सारे परिवार को एक जगह इकट्ठे बैठे पाएंगे। डिंपल भाभी ने मुझे कहा कि आप अपनी फ्लाइट ऐसे बुक करवायो कि न्यू ईयर की सुबह आप घर पहुंचे, बस मैंने वही किया और मेरे अपने मुझे वैसे ही मिल गए जैसे इकट्ठे छोड़कर गई थी। डिंपल फिर बोले, आप सब बड़े हैं, मेरे से ज्यादा समझदार हैं,
पर मुझे लगा कि जिस जमीन जायदाद के लिए हम रूठे हैं, झगड़े हुए हैं, वो तो सब और कमा लेंगे, खरीद लेंगे, लेकिन रिश्ते तो किसी भी कीमत पर नहीं खरीदे जा सकते। इसलिए परिवार को बांधे रखना सबसे जरूरी है। डिंपल की सास, ताई सास और चाची सास तीनों ने खड़े होकर डिंपल की पीठ थपथपाई और बोली, बेटी जो हम न कर सके वो तुमने कर दिखाया। इसके साथ ही केक कटने लगा और हंसी के फव्वारे फूटने लगे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।